शिवाय चाहता है आप अकेले रहना, और वो भी एकदम अकेले। ना ही शिवाय को चाहिए रूडी, ना ही चाहिए ओमकार, और ना ही चाहिए उसकी प्यारी दादी, यहाँ तक कि अपनी माँ भी नहीं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है जिस कारण इस हद तक अकेला रहना चाहता है शिवाय। तो बता दें आपको कि अब सीरियल इश्कबाज के अंदर बेहद मजेदार तरीके से आप देखने वाले हैं एक सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस के अंदर पिंकी अब लगातार जिद कर रही होगी शिवाय से कि वो दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी किसी और से नहीं बल्कि खुद रागिनी से कर ले, क्योंकि भाई रागिनी का रिश्ता तो अब टूट चुका है उसके मंगेतर से, और क्योंकि रागिनी है परफेक्ट बहू पिंकी की नज़रों में, तो इसी वजह से अब पिंकी चाहती है कि शिवाय शादी कर ले, और वो भी रागिनी से। लेकिन इसके साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि शिवाय नहीं चाहता होगा कोई भी दूसरी शादी करना, और ना ही किसी दूसरे बंधन में बंधना, और इसी कारण शिवाय चाहता होगा अब अकेला रहना। जहाँ अकेले रहने की कोशिश करेगा शिवाय, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके शिवाय को परेशान कर रहा होगा, और इसी वजह से अब शिवाय ठान लेगा कि वो अब कहीं और नहीं बल्कि चला जाएगा जेल। जी हाँ, बता रहे हैं आपको कि अब सीरियल इश्कबाज के अंदर आप एक बहुत ही फनी सीक्वेंस और साथ ही साथ बहुत ही सीरियस सीक्वेंस देखने वाले हैं, जहाँ शिवाय खुद कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिस वजह से पुलिस इसको पकड़ ले, और इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे पुलिस के सामने खुद खुद को अरेस्ट करवाने वाला है शिवाय, ताकि अपने शांति से शिवाय जेल के अंदर रह सके और अपने आप को समय दे सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या रागिनी जेल के अंदर शिवाय को रहने देगी? और क्या अनिता के कानों में ये बात पड़ने के बाद अनिका भी जेल में रहने देगी शिवाय को? वेल, जाहिर है कि बहुत ही तड़कता फड़कता ट्रैक अब आने जा रहा है सीरियल इश्कबाज के अंदर। लेकिन अब इसके बाद आगे क्या क्या होने वाला है ये हम बताएंगे आपको, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट।